1440 बोतल नेपाली शराब बरामद, टाटा सफारी के साथ बरामद, मौके से ड्राइवर फरार। जी हां, मधुबनी के बिस्फी से बड़ी खबर। पतौना ओपी थाना क्षेत्र के कटैया पंचायत भवन के समीप रात्रि गश्ती, टाटा सफारी के साथ भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई। रात्रि गश्ती कर रही पतौना पुलिस को देख पाली की तरफ से आ रही एक टाटा सफारी गाड़ी पुलिस को देखते हुए गाड़ी को भगाने लगी। उसी क्रम में पुलिस को शक हुई, जिसके आधार पर उसने पीछा किया, जिस दौरान ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर भाग निकला। पुलिस जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 1440 नेपाली देसी शराब की बोतलें बरामद हुई। पतौना ओपी परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बेनीपट्टी DSP पुष्कर कुमार ने कहा कि होली के मुद्दे मद्देनजर रखते हुए शराब तस्करों को विशेष नजर रखी जा रही है। थाना अध्यक्ष विजय पासवान के द्वारा मंगलवार रात्रि गश्ती के दौरान 1440 बोतल नेपाली देसी शराब समेत एक टाटा सफारी DL3CW4901 को पतौर पुलिस ने जब्त किया। उन्होंने कहा कि गाड़ी के ड्राइवर फरार हो गया। DSP पुष्कर कुमार ने बताया कि जब्त किए गए टाटा सफारी के मालिक सर हरघाट थाना क्षेत्र के राइमा गांव के निवासी मिक्कू चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार के लिए छापेमारी जारी कर दी गई है। मौके पर थाना के ASI RK सिंह सहित दल बल के साथ मौजूद रहे। मधुबनी से हमारे संवाददाता राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। कहां से शराब बरामद हुआ? रात को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर जो है टाटा सफारी गाड़ी में नेपाल से शराब का खेप आने वाला है। इस पर सारे थाने को सतर्क किया गया था, खास करके पतौना ओपी में SHO कम प्रभारी विजय पासवान और ASI RK पांडे, उमेश पांडे, इन लोग लगाए हुए थे। एक नाका चेकिंग परसोनी और एक कटैया में लगा हुआ था, जगवन कटैया के पास में। सफारी गाड़ी देख के पुलिस गाड़ी को भागने लगा, भाग गया, गाड़ी छूट गई। गाड़ी को चेक किया गया तो इसमें करीब 1400 बोतल देसी नेपाली सौफी शराब की बरामदगी हुई है। भागने वाला व्यक्ति का नाम पता चला है, ये सहारघाट थाना क्षेत्र के रहमा का मिक्कू चौधरी है, जो पूर्व शराब तस्कर है, पुराना शराब तस्कर है, और इसके विरुद्ध छापामारी की गई। अभी फरार चल रहा है। अभी ये लगातार होली के अवसर पर हम लोग रोज चेकिंग कर रहे हैं और रोज शराब की जो भी सूचना मिले उसको बरामदगी कर रहे हैं, और किसी भी कीमत पर होली में शराब नहीं बिकने देने के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। जो फरार आरोपित है उसको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। होली के मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए? होली के लिए ही ये सतर्कता अभियान और नाइट चेकिंग और शराब पर विशेष तौर पर छापामारी विनष्टीकरण किया जा रहा है। जहां पर अगर कोई शराब बनाने की सूचना मिलती है तो उसको तोड़ फोड़ करके उसको ध्वस्त किया जा रहा है।